लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ आपको दिखाता है डेटा जो चेंज हो रहा है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, वो चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, आपके रेनू है, रेनू क्या है कि ये थोड़ा बीमार है, तो उनके जो डॉक्टर है उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा उनके बॉडी टेम्परेचर का, हर एक घंटे या हर चार घंटे, हर छह घंटे, इस तरीके से। तो चार घंटे के हिसाब से इन्होंने रखा, इन्होंने कहा 6 बजे इतना, 10 बजे इतना, 2 बजे इतना, 6 बजे इतना, इस तरीके से इन्होंने अपना वो रखा, रिकॉर्ड रखा। तो इसको ग्राफ में अगर हम दिखाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं इसको हम टाइम टेम्परेचर ग्राफ कह सकते हैं। ये पिक्टोरियल पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा का। अब इसमें देखिएगा जो ग्राफ आने वाला है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस देखते हैं, ये आपको टाइमिंग बताएगा जब हमने रिकॉर्ड किया टेम्परेचर, और जो वर्टिकल लाइन है वो आपको हमको टेम्परेचर बताएगी क्या है। अब इसको देखिए कि इसमें दो हैं आपके पास, ये आपका टाइम बता रहे हैं 6, 10, 2, 6, ये आपका टेम्परेचर है। इस तरीके से ये आपका टाइम है, ये आपका टेम्परेचर है। तो देखिए इसको इस तरीके से अगर हम जोड़ दें, मतलब 6 बजे आपका 37 डिग्री था, 2 बजे आपका 38 डिग्री, इस तरीके से बनाया। तो ये आपका एक तरीके से हमने हर एक पीस ऑफ डेटा उसको हमने ग्रिड में दिखा दिया, यहां पर हमने पॉइंट को जोड़ दिया ताकि एक लाइन बना दे, इसी को हम लाइन ग्राफ कहते हैं। बेसिकली जो लाइन बनी है ना, इसी को हम लाइन ग्राफ की संज्ञा दे रहे हैं। तो इस ग्राफ में बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे एक चीज ऑब्जर्व करिए कि यहां से 6 बजे से 10 बजे तक तो इनका टेम्परेचर बढ़ा, और कितना बढ़ा यहां से देखिए, यहां पर 37 था और यहां पर 40 हो गया, 3 डिग्री बढ़ गया, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। एक एग्जांपल लेंगे ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस। एक अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आपको, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में ये कुछ मैचेस हैं और ये रन्स कितने स्कोर किए हैं। ये एक पहले बैट्समैन है, ये दूसरे बैट्समैन है, इन्होंने कितना स्कोर किया। जो पहले बैट्समैन है वो आपके डॉट 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 से है लाइन, ये वो हो गए। दूसरे साहब जो है वो ये यहां से दिखाए जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर काफी इन्होंने स्कोर कर लिया। ये साहब स्कोर तो काफी अच्छा किया इन्होंने पहले वाले में, दूसरे वाले में तो इन्होंने बहुत ही कम स्कोर किया, 0 में ही आउट हो गए, इस तरीके से। तो अब इस पे जो ग्राफ आपने देखा, ये टोटल जितने रन स्कोर किए बैट्समैन ए और बी ने, और 10 मैचेस हुए 2007 की बात हो रही है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और अब इसमें आंसर देना है आपको। जो ग्राफ देखा, कौन सा इंफॉर्मेशन आपको दो एक्सेस में मिल रहा है, कौन सी लाइन बैट्समैन ए की है, और कहां पर जो रन स्कोर है वो एक जैसा हो गया 2007 में, और अगर ऐसा है तो किस मैच में, दो बैट्समैन में कौन से साहब स्टडियर है, कौन स्टडी है, और कैसे इसको जज करेंगे आप। तो सबसे पहले हम जो पहला है इसका उत्तर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, वो इंडिकेट कर रही है कि मैच कितने प्ले किए गए। यहां पर देखिए ये कितने मैच प्ले किए गए और यहां पर कितने रन स्कोर किए गए। तो एक्स बता रही है कितने मैच प्ले किए गए, और वाई आपको बताती है कि कितने टोटल रन स्कोर किए गए हर एक मैच में। इसके बाद जो बैट्समैन ए है वो डॉटेड लाइन से है, बैट्समैन बी जो है आपके स्ट्रेट लाइन से, मतलब विदाउट ब्रेक लाइन से है। तो जो डॉटेड लाइन है वो आपको बैट्समैन ए जो रन स्कोर किया वो बता रहे हैं आपके। अगला जो दो सवाल है उसका भी यहां पर उत्तर देंगे। वेयर और वर द रन स्कोर बाय देम सेम इन एनी मैच, किसी एक ऐसे मैच में दोनों के रन सेम है, और किस मैच में, और उसमें स्टडियर कौन सा है, और कैसे जज करेंगे। देखिए जो फोर्थ मैच है इस पॉइंट पे, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ चौथा जो है इसमें दोनों ने 60 रन स्कोर किए, दोनों साहब लोगों ने 60 रन स्कोर किए, और कौन सा स्टडियर है। देखिए ए के पास अगर आप ये को देखें तो आप एक पीक है, दो पीक है ना, इनके पास एक बड़ी ग्रेट पीक है, लेकिन डीप्स बहुत ज्यादा है, बहुत एक जगह पे तो 0 पे भी आउट हो गए, दो जगह 0 पे आउट हो गए, देखिए है ना, दो मैचों में 0 पे आउट हो गए। लेकिन जो दूसरे साहब है ये कभी 60 बनाते हैं, कभी 40 बनाते हैं, कभी 60 बनाते हैं, कभी तो ये 100 भी मार जाते हैं, लेकिन ये कभी 0 पे या कभी इससे कम पे नहीं आउट हुए, मतलब 40 से नीचे कभी नहीं गए। तो ये ज्यादा स्टडी है, तो बी ज्यादा कंसिस्टेंट है और रिलायबल बैट्समैन है, राहुल द्रविड़ जैसे, विराट कोहली जैसे है, ये हो सकता है पांड्या जैसे हो, हार्दिक पांड्या जैसे। अब जो ग्राफ है, एक और आपको ग्राफ दिखाता हूं,
ये वाला इसको ध्यान से देखिए, इसमें ये समय है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पी से, कोई पी पॉइंट है वहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और ये टाइम इसमें दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ बता रहा है डिस्टेंस कार का सिटी पी है अलग अलग टाइम पे, जब आप सिटी पी से सिटी क्यू पे जाते हैं तो 350 किलोमीटर दूर है। आपको ग्राफ देखना है और ये बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन पहले तो दो एक्सेस में दी हुई है, कहां से और किस जगह से ये शुरुआत हुई आपकी कार, पहले घंटे में कितनी चल गई है, दूसरे घंटे तीसरे घंटे कितनी कितनी चली, क्या ये पहले तीन घंटे में इनकी स्पीड सेम थी और कैसे आप जानते हैं इसको। तो इसको देखिए बहुत ध्यान से, इसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। और क्या ये कार बीच में रुकी किसी समय पे, देखिए यहां पर ये कुछ दिखाई दे रहा है, आप जस्टिफाई भी करें और यहां पर ये कब पहुंच गई, किस जगह पे पहुंच गई, किस अपने क्यू जगह पे किस समय पहुंच गई, इस तरीके से बताना है आपको। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा जो एक्स एक्सिस है वो टाइम दिखा रही है, वाई वाई एक्सिस आपको डिस्टेंस बता रही है, और कार जो है वो शुरुआत हुई है 8 बजे, यहां से शुरुआत हुई है 8 बजे सुबह शुरू हुई हो, पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली। अब देखिएगा कैसे, पहला घंटा कहां है, यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर चल गए। और दूसरे अगर और भी देखें हम तो कहां से कहां चल रही है, जैसे दूसरे घंटे में 9 से 10 बजे तक आपका 150, मैं बताता हूं आपको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर कैसे हुआ। अब देखिए ये यहां से 50 से लेकर यहां तक 150 तक चलेगी, तो 150 में 50 माइनस करेंगे तो आपका 100 आएगा, ऐसे यहां पर है यहां से यहां तक 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50 आएगा आपका। फिर उसके बाद और भी देखिए, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि वो उस समय पे सेम जगह तो थी नहीं क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। अब ये देखिए 200 किलोमीटर पे वो थोड़ा रुक गए 11 से 12 बजे तक, उसमें वो ट्रेवल ही नहीं किया क्योंकि डिस्टेंस 200 पे थे, यहां पर भी 11 बजे 12 बजे भी 200 किलोमीटर पे ही थे, मतलब इस समय इन्होंने कहीं मूव नहीं किया, हो सकता खाना पीना उनका हो रहा हो या आराम कर रहे हो। 2 बजे सिटी क्यू पे पहुंचे, 2 बजे